बीजापुर छत्तीसगढ़ समेत तमाम जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और सभी जगहों पर लगातार तेज बारिश हो रही है। बता दें कि पहली ही बारिश में बीजापुर के अलग अलग जगहों से बदहाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं जिले में तेज बारिश होने पर कहीं नदी नाले तालाब भर गए तो कहीं घरों के अंदर पानी घुस गया। जानकारी के अनुसार ग्राम मलगोड़ा और कोतापाल ग्राम से बीजापुर को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल तेज बारिश में बह गया, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया है और मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये पहले डैमेज हो गया, नीचे वाला बसकने की वजह से डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद फिर काम चला के लिए मरम डाल के चला रहे थे। कौन डाला मुरम जी? अभी जो ये पहले काम चला था वही उन्हीं लोग डाले होंगे। पुलिया कौन बनाया था? पुलिया पहले के मदन सेठ बनाए थे, ठेकेदार थे। तो अभी आप लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है? आने जाने के लिए तो दिक्कत होगा, ये टूटने के बाद किधर से जाएंगे? पुलिया डैमेज हुआ है, मिट्टी बह के चली गई है मुरुम जहाज से। थोड़ा अभी के लिए तो हम टेम्पररी व्यवस्था कर रहे हैं, फ्यूचर में इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पुलिये की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। सर पहली ही बरसात में पुलिया बह जाना है, ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता ही है। काफ़ी पुराना काम है, नया काम नहीं है तो, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है तो उसके चलते डैमेज हो ही जाता है। ये मैंने सुबह सुबह हमारे जिला पंचायत सीईओ को इन्फॉर्म किया था और बताया था कि पुलिया दो जगह का बहा है, टूट गया, रास्ता भी कट गया है और ये बोरजे क्षेत्र का है, लगभग बोरजे क्षेत्र का है, लगभग 20 साल हो गया है, 20-15 साल हो गया है, तो उसको रिपेयर करने की और नई पुलिया बनाने की ज़रूरत है। और हम लोग तत्काल उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मतलब पुलिया बह चुका था और आके जानकारी हम लोग प्रशासन को दिया है और हम समझते हैं कि प्रशासन हमारी बातों को सुनेगा और पब्लिक जो परेशान हो रही है उनका उनकी समस्या का निराकरण करेगा। मैं प्रधानमंत्री रोड के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो कभी सही काम नहीं करता है, गुणवत्ताहीन काम करता है, क्योंकि हम लोग जब सामान्य सभा में बार बार उसको बोलने से भी वो काम सही नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से शायद उसका ट्रांसफ़र भी हो चुका है। और अभी हम लोग ने सीईओ को भी अवगत कराया है और सीईओ के साथ साथ मताधिकारी को, प्रशासन को भी अवगत कराया है और मैं समझती हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये बात जाएगी सरकार तक तो सरकार जल्दी से जल्दी सुधारने का प्रयास करेगी, अगर नहीं करेगी तो हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। मैडम